Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106, or 2371-7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे. श्रोताओं, आज शनिवार है. हर शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे. हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2371-7106, और तीसरा नंबर है 2371-7117. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें. प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं आउटलुक हिंदी के एडिटर हरवीर सिंह. हरवीर, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. वेलकम हरवीर. थैंक यू राजेश. और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेख. President Ramnath Kovind promulgates the Banking Regulation Amendment Ordinance 2020 to ensure safety of depositors across banks. Key domestic indices log gains for the second straight week ended yesterday, and the US stocks plunge more than 2% amid reimposed restrictions in several states due to rising number of coronavirus cases. देशभर में बैंक खाता धारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया. प्रमुख घरेलू सूचकांक कल समाप्त सप्ताह के दौरान लगातार दूसरे सप्ताह वृद्धि के साथ हुए बंद, और कोविड 19 के मामलों में वृद्धि के चलते अमेरिका के कई राज्यों में फिर नियंत्रण लगाए जाने के बीच अमरीकी शेयर बाजार में 2% से अधिक की गिरावट. देश भर में बैंक खाता धारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के क्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 जारी कर दिया है. इस अध्यादेश से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया है, जो सहकारी बैंकों पर लागू होता है. अध्यादेश के तहत खाताधारकों के हितों की रक्षा और सहकारी बैंकों के प्रशासन में सुधार से उन्हें मजबूत करने के प्रावधान किए गए हैं. साथ ही सहकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शक्तियों का भी विस्तार किया गया है. अध्यादेश के संशोधनों से सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों को राज्य सहकारी कानूनों के तहत प्राप्त मौजूदा शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. ये संशोधन प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं या उन सहकारी संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिनका मुख्य उद्देश्य और प्रमुख कारोबार कृषि विकास के लिए लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध कराना है. We have a first caller online with us from Kolkata, Vijay Kumar. We welcome you to Market Mantra. Please ask your question. सर, मैं विजय कुमार यादव बोल रहा हूँ. प्लीज अपना सवाल पूछे. कोलकाता सर, बोल रहा हूँ कि पीएनबी बैंक में मेरा अकाउंट था पहले, तो अकाउंट से मैंने मैं 2019 में जून जुलाई में पैसे उठाए थे, उसके बाद 500 रुपया पड़ा था, तो अभी क्या पैसे भेजेंगे तो इस अकाउंट में जा सकता है? मैंने अकाउंट बंद नहीं हो गया होगा तो यही जान, मैंने एक साल पहले लेकिन मैंने आज एक साल हो ही गया पैसा, यही जाना. देखिए, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका एक तो बंद तो नहीं हुआ होगा, उसमें बैंक्स के चार्जेज होते हैं. अगर जो एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कंडीशन है, अगर उससे नीचे चला गया होगा आपका पैसा तो डिपॉजिट, उसके ऊपर वो चार्ज लगेगा. अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट होगा तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा.
और अब कोलकाता से हमारे साथ है राहुल कुमार, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, मार्गरेट मंदर सिंह को नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आज प्रेसिडेंट ने जो बैंक सेक्टर में ऑर्डिनेंस लाया है, उससे डिपॉजिटर कितने हद तक सुरक्षित होंगे? असल में देखिए, दो इसके पक्ष हैं। एक तो ये है कि जो सहकारी बैंक हैं, उनको इसके दायरे में लाया गया है रिजर्व बैंक के सुपरवाइजरी पावर्स के, और ये पहले भी था बट उसको इफेक्टिव कर दिया है ऑर्डिनेंस के थ्रू। उसमें इसी तरह की कोशिश है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा सुरक्षित रहे, जो गवर्नेंस है बैंक का वो ठीक से हो, और उसके अकाउंट्स के ऊपर लगातार निगाह रहे कि जिससे कि कोई मैनेजमेंट के लेवल पे या कुछ उस तरह की गड़बड़ी ना हो जो कि डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट जाए। दूसरे एक अमेंडमेंट जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट और किया है, जिसमें अगर कोई इशू आता है तो उस बैंक्स का रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन करने की जो प्रावधान है वो लागू हो जाएगा, और उसमें मॉरेटोरियम को अवॉइड किया जा सकेगा जिससे कि डिपॉजिटर्स को या वहां उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है बैंक्स का उसमें डिसरप्शन ना आए। अदरवाइज होता क्या है कि एक मॉरेटोरियम लागू हो जाता है और या तो बैंक से आप निश्चित अमाउंट निकाल सकते हैं, बाकी लेन देन के ऊपर एक निर्धारित अवधि तक प्रतिबंध लग जाता है। फ्रॉम नागपुर वी आर नाउ जॉइंड इन बाय आशीष, वी वेलकम यू आशीष टू मार्केट मंत्र। थैंक यू सर। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये जो बैंकिंग सेक्टर से है सर, इसमें कितनी आगे संभावना है? जैसे कि अभी हम जो लोन लिए हैं तो वो भी हमें देने नहीं पड़ रहा है, इंस्टॉलमेंट हमारी बाद में जाएगी, तो सर इसका क्या मार्केट पे प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, जो अगर हम अभी देखें जो मॉरेटोरियम का अनाउंस किया गया है, पहले 3 महीने का था, फिर आगे 3 महीने बढ़ाया गया है, वो मॉरेटोरियम है। तो जो बोरोवर हैं उनको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, और उसके आगे की अवधि पर अतिरिक्त इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो बैंक्स के जो अर्निंग्स हैं उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट इमीडिएट उस तरीके का नहीं है। और हालांकि इसमें डिस्कशन चल रहा है, मसला ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया है कि इसमें डायरेक्ट कोई राहत नहीं है बोरोवर्स को, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है उसको भी बताया गया, वो काफी ज्यादा बनेगा। इसलिए अभी सिर्फ मॉरेटोरियम है, आपको पे करना पड़ेगा, और बैंक की जो फाइनेंशियल उसकी जो सेहत है उसके ऊपर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा नेगेटिव। और अब हमारे साथ मुंबई से हमारे रेगुलर कॉलर मुजाहिर खान जुड़ गए हैं। मुजाहिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे। अतुल बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं मेरे राजेश जी को और आउटलुक के हमारे हरिवीर जी को बहुत प्यारा नमस्कार। नमस्कार हरिवीर जी, आज मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, बहुत जमाने के बाद कर, तो 15-20 स्टार्टिंग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है? आप किसी कंपनी या खास कंपनी या खास स्टॉक के बारे में नहीं बताते हैं, मगर इसकी वजह क्या है? अब जैसे एक हम लोग काफी लोग फंस के रह गए हैं एक छोटे भाई के चक्कर में, बड़े भाई तो माशाल्लाह ऊपर से ऊपर चले जा रहे हैं, और नीचे वाले भाई जो है परेशान करके सारे उनके स्टॉक 5-6 रुपए भी आ गए हैं। इसकी वजह क्या है और इसके बारे में कहां से पूछे? असल में देखिए, आपने इनडायरेक्टली सवाल किया है, और ये तो एक एथिकली ये प्रोग्राम के लिए तय है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसका प्रोग्राम का लिस्टिंग बहुत है, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, और ये उस तरीके से इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर रिसर्च करके फिर उसके बारे में कोई राय दी जाए तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। उस तरह से सेक्टोरल बातचीत हम लोग करते हैं, और जिन लोगों के बारे में आपने जिक्र किया, देखिए ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि किस सेक्टर में कौन सी कंपनी सक्रिय है और उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है। हाँ, ये बात सही है कि एक मसले में ऐसा भी हुआ है कि उसी ग्रुप का एक हिस्सा जो है अब लौट के उस सेक्टर में आया जिसमें पहला जो है उसको कंपनी डूब गई बुरी तरीके से। तो ये कई बार मैनेजमेंट इश्यू होता है, और ये भी है कि उस वक्त मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है किसी सेक्टर के लिए। तो ये मैं टेलीकॉम के पर्सपेक्टिव में आपको बोल रहा हूँ, तो काफी स्ट्रगल किया है सेक्टर ने, बट अभी जो है कि पर्टिकुलर एक कंपनी को या ग्रुप को उसका प्रोस्पेक्ट्स में बेहतर हुए हैं, इसीलिए उसमें देखिए कि काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है दुनिया भर से। तो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एंड सर्कमस्टेंसेस अराउंड दैट टाइम। और आगे कॉलर दिल्ली से सतीश कुमार, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए सतीश जी। हेलो जी, नमस्कार जी मैडम, मैं
जी नमस्कार। मैं जी ये गोल्ड के बारे में पूछना चाहता हूँ हरबीर से कि ये इतनी तेजी से आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, इसका क्या कारण है? ये 15 साल पहले 3-4 हजार रुपए का 10 ग्राम था, आज ये 50 हजार का है, तो 15 साल बाद तो ये 1 लाख रुपए का हो जाएगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, भारत देश की जनता है या भारत देश के रीति रिवाज, जहाँ इतना ज्यादा सोने की जरूरत पड़ती है शादी ब्याह में और भी चीजों में? पहले तो कोई भी आदमी अंगूठी बनाने की सोचता है कि भाई अब से सैलरी मिलेगी तो एक अंगूठी बनवाऊंगा। आज तो कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई मैं ऐसे ही कोई अंगूठी बनवा लूं या कुछ बनवा लूं। ये क्या वजह है कि भाई आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा आगे होता जा रहा है? जी हम समझ गए आपका सवाल। हाँ हाँ, देखिए क्या है कि ये बात सही है आपकी कि पिछले करीब 1 साल में गोल्ड के प्राइसेज में बहुत मूवमेंट हुआ है और ये लगभग 50,000 के करीब चला गया अभी फ्यूचर्स के जो हम आंकड़े देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर 2 साल पीछे आप जाएं तो उसमें करीब 2-2.5 साल तक कोई रिटर्न ही नहीं था। प्राइसेस आर स्टेबलाइज अराउंड 28,000-29,000 टू 30,000-33,000, तो वो वहां पे स्टेबल था। गोल्ड को लेकर के ये बात सही है कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनली काफी उसका अट्रैक्शन है और दुनिया के सबसे बड़े इम्पोर्टर्स में से हम लोग हैं। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, अभी तो बहुत शार्प ड्रॉप आया है इंपोर्ट में भी। एक तो ये भी रहा है कि जो कोविड पैंडेमिक है, मार्केट्स बंद हैं और लोगों की इनकम भी स्क्वीज हुई है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर प्राइसेस को देखें, जब अनसर्टेनिटी होती है ग्लोबली, तो जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज होते हैं उसमें आप मानेंगे कि स्टॉक मार्केट है या रियल इस्टेट है या बुलियन है, तो उसमें ये अट्रैक्शन बुलियन में आता है खासतौर से जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, जियोपॉलिटिकल हो या और दूसरे कोई वजह हो, अनिश्चितता का जब टाइम होता है तो ये उसमें आता है। प्लस ये है कि हमारा एक फैक्टर और है कि हमारे लिए कि अभी हम सीधे अलाइन है ग्लोबल मार्केट प्राइसेस से और डॉलर का मूवमेंट भी हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस को अफेक्ट करता है। ये रुपी डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसका भी इम्पैक्ट आता है। तो अभी तो गोल्ड की रैली का फैक्टर यही सबसे बड़ा है कि जो अनसर्टेनिटी है एंड ग्लोबली स्टॉक्स ने बहुत क्रैश हुआ है, अभी थोड़ा सा रिकवरी का दौर चल रहा है सब जगह, बट जिस तरीके से इस कोविड पैंडेमिक के बाद गिरावट आई थी तो उसमें ऑप्शन यही लगा कि आई थिंक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा गया उस वक्त। फ्रॉम मुंबई वी आर जॉइंड इन बाय रत्नाकर, वी वेलकम यू रत्नाकर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सवाल, ऑलरेडी अभी स्टॉक 35,000 तक आ गया, तो आगे भी ये बढ़ता जाएगा कि अभी फॉल आ सकता है? और दूसरा सवाल है कि डिफेंस रिलेटेड स्टॉक और फार्मा स्टॉक में आगे की कुछ दिनों में क्या बदलाव हो सकता है? ये अपने फार्मा और दूसरा डिफेंस पूछा है ना? जी हाँ, एक्चुअली देखिए ये बात सही है कि इस हफ्ते के पिछले हफ्ते मार्केट ने अच्छा थोड़ा इम्प्रूव किया था, इस हफ्ते भी थोड़ा किया है, लेकिन अभी जिस तरीके से स्टॉक्स बढ़े हैं और जो इंडेक्स भी ऊपर गए हैं, उसका एक तो फैक्टर ये भी रहा है कि कुछ एफआईएस का जो है एंट्री हुई है, और जैसे अभी हम लोग न्यूज पढ़ ही रहे हैं कि एक सेकेंड वेव जो का डर जो हो गया है खासतौर से यूएस में, और फिर से कई जगह इस तरह की परिस्थिति भी आई है कि क्या फिर से रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज होंगी क्या, तो जो ग्लोबल रिकवरी के जो इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा टिप्पणी आ रही है। और इवन जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है IMF ने भी कहा है कि अभी जो स्टॉक्स का वैल्यू है वो रियलिटी से थोड़ा दूर है, और जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी का डिसलरेट होने का एक या उसका कॉन्ट्रैक्ट होने का उसने अभी पिछले दिनों एक रिलीज किया है अपना अनुमान, और डोमेस्टिक इकोनॉमी का भी जो उन्होंने करीब 4.5% का कॉन्ट्रैक्ट होने का अनुमान जारी किया है, तो ये सारे फैक्टर हैं। मार्केट ज्यादातर जो गुड न्यूज है उसको, मेरा मानना है कि और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि उसको डिस्काउंट कर चुका है, तो कुछ कंसोलिडेशन आ सकता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो रैली है वो कंटिन्यू रहे, बट आप कंपनी स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक वो थोड़ा देख सकते हैं। फार्मा में भी अभी ये हो गया कि काफी इम्प्रूवमेंट आया, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आगे उसमें तेजी रहेगी। डिफेंस में हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा तो इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इन कंपनीज के आपके लिए हिसाब से उनके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनके परफॉर्मेंसेज हैं फाइनेंशियल, वो कैसे हैं, तो उसमें भी कहना मुश्किल होगा।
You're listening to Market Mantra, and if you have any query on business, economic and stock market matters, then do call us at 2331-4444-2371-7106 or 2371-7117. We're taking a short commercial break and be back with you soon. अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो दो गज दूरी, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। अगले कॉलर हैं हमारे प्रदीप हरियाणा से। प्रदीप जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा एक क्वेश्चन ये है जी, पूछिए। जैसे कि एफडी आरडी होती है, आप अपना हाँ, सवाल पूछते रहिए, हम सुन रहे हैं। आरडी एफडी में भी कुछ सरकार ने कुछ किया जी? हरवीर जी, एफडी और आरडी इनमें क्या कोई? देखिए, एफडीज का तो अब जो ये स्मॉल सेविंग्स के जो रेट हैं वो क्वार्टरली रिव्यू होते हैं, और इनको निगाह रखना पड़ेगा कि किसमें किस तरीके से उसका जो रिवीजन है, और ये डाउनवर्ड रिवीजन ही है अगर आप देखेंगे तो, वहां पे देखना पड़ेगा इनको किस महीने के बाद इन्होंने किया है और आगे अभी करंट रेट्स किस जगह चल रहे हैं। Moving on, the key domestic indices logged gains for the second straight week ended yesterday. In a highly volatile trade this week, stocks fell due to the rise in the coronavirus cases worldwide, the military standoff between India and China at the border, and the ongoing tensions between China and the US. During the week, Sensex rose 440 points or 1.27% to settle at 35,171. The Nifty 50 index gained 139 points or 1.35% to settle at 10,383. The BSE Mid-Cap index advanced 3.55% and the Small-Cap index rallied 2.88%. और अब मुंबई से जयंत है हमारे साथ, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। Yes, madam, I called up last week also. I want to know the full form of the word FISI, fiscal. F stand for what? I stand for what? Like the fiscal. Fiscal एक word है, ये acronym नहीं है। Fiscal का मतलब जरा इनको आप समझाएंगे। Fiscal तो राजकोष को हम लोग कहते हैं, राजकोषीय जो है जी, जो है fiscal, अगर different response में इस्तेमाल कहीं भी इस use होता है reference में, जो है कि fiscal responsibility में भी होता है या आप fiscal deficit में भी होता है। Primarily it's relating to finance. Yes, सरकार का जो financial, particularly government का जो public, मतलब basically finance होता है। पुणे, from पुणे we are joined in by Mr. Shroff. Hello, Mr. पुणे, we can hear you. You have to lower the volume of your radio set, please. आवाज आता है मिस्टर श्रॉफ, आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत एको आ रहा है, तो अपना रेडियो प्लीज उसकी वॉल्यूम एकदम कम कर दीजिए। अच्छा, मैं श्रॉफ करके बात करता हूँ जी, पूना से जी, बोले। और एक काम ऐसा है, मैं आपका रोज सुनता हूँ, शुक्रिया, लेकिन जो आखिर में आप रोज जो सोने का दाम बताते हो जी, जाते जाते जैसे एक मिनट में बता के चले जाते हो, शेयर के ऊपर तो बहुत सारा बात करते हो, दूसरी बात करते हो, लेकिन सोने का बात अच्छा इतना भी नहीं कि दिल्ली के बाजार में ये दाम है बोलते हैं, लेकिन वो 22 कैरेट का है या 24 कैरेट का है वो भी नहीं आप बोलते। मिस्टर श्रॉफ, विल टेक योर सजेशन एंड इनकॉर्पोरेट दैट एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। फ्रॉम कोलकाता वी आर जॉइंड इन बाय मुश्ताक अली। मुश्ताक, वी वेलकम यू। थैंक यू वेरी मच सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा सर, आप जरा बताएंगे किस पैटर्न में दाम बढ़ता है, वो अपेक्स एंड बेस होता है, वो क्या परसेंटेज में बढ़ता है और वो रुक जाता है ऊपर जाके फिर वो नीचे आता है, ये जरा हमको समझाइए। और डॉलर के दाम से शेयर का प्राइस का कोई रिलेशन है, ये दो बात बताइए प्लीज। थैंक यू। पहला क्वेश्चन मैं कुछ थोड़ा इनका समझ नहीं पाया। आई थिंक पहला वो शेयर बाजार में पूछ रहे हैं कि कैसे स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जाते हैं। नेचुरली इट्स अ मार्केट प्लेस,
डिमांड सप्लाई है मार्केट प्लेस में, जितना जो प्रोडक्ट है यहाँ, प्रोडक्ट का मतलब स्टॉक्स है, स्टॉक जितना बिक्री के लिए आता है और जो लोग उसके खरीदने आते हैं तो वो एक संतुलन तय करता है कि किस तरीके से लोग दाम लगाते हैं और उसके बाद प्राइस फिक्स होता है। और जहां तक ये है कि डॉलर का इम्पैक्ट तो आता है क्योंकि एफपीआईज और एफआईज जो इन्वेस्ट करते हैं हमारे मार्केट में वो डॉलर्स में लेके आते हैं, फिर उनको जो स्टॉक हमारे मार्केट में है उसको उनका अगर वो एक्सचेंज रेट का भी कैलकुलेशन साथ में करते हैं और उसमें किस तरीके से उनका रिटर्न है या उनको लॉस है वो सारी चीजें भी वो लोग देखते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आता है मार्केट में। अब चलते हैं मुंबई जहां से सुभाष हैं हमारे अगले कॉलर, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। सुभाष जी आपसे रिक्वेस्ट है अपने रेडियो की प्लीज वॉल्यूम कम कर दीजिए, बहुत एको आ रहा है। हेलो, हाँ अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सुभाष जी, हम सुन पा रहे हैं। सर आई वांट क्वेश्चन अबाउट आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, सर what is transferred to that fund and whether shares are also transferred and how long that share transferred dividend or shares will remain with that fund and can a claim be raised on that after a long time? And question number four is that what happens if the company, concerned company, declares bonus or rights shares of the fund that shares? देखिए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो है वो तो इन्वेस्टर्स के अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो और उनके जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट रहें, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में ये होता है फंड और उसमें काफी हद तक ये रहता है कि जो आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी प्रॉपर जानकारी हो या कुछ ऐसा चीजें हो जो कि आप नहीं जानते तो उनके बारे में आप समझ पाए, क्योंकि मार्केट इज बेसिकली मार्केट में एंटर करने का मतलब एक रिस्क फैक्टर आपके साथ होता है, तो इट इज बेटर यू आर वेल अवेयर व्हेन यू आर मार्केट एंटरिंग इनटू द मार्केट और जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो उनका एक वेबसाइट भी है, उस पर जाकर भी आप देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल अवेयरनेस कैंपेन के लिए जो मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑप्शंस हैं उनमें उसको इस्तेमाल भी किया जाता है, तो ये एक है पक्ष इसमें। एंड सेकंड क्वेश्चन, बोनस शेयर्स और राइट्स इशू से क्या शेयर प्राइस पर फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता तो है ही उस वक्त, क्योंकि जब अतिरिक्त शेयर जब कंपनी इशू करती है तो कई बार अनाउंस होता है तो मार्केट में उसका मूवमेंट कभी होता है और बट हालांकि ये भी है कि सेबी के अनाउंस भी है जो कंपनी फॉलो करती है उस वक्त जब अनाउंस करती है, तो दोनों फैक्टर हैं उसमें, क्योंकि आपका राइट इश्यू आएगा तब भी और बोनस शेयर दिए जाएंगे तब भी। और अब चलते हैं कोलकाता जहां से डीके भट्टाचार्य हैं हमारे अगले कॉलर, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मार्केट मंत्री। गुड इवनिंग, आई एम भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता। जी आपका सवाल। My question is, as far as we know, this provident fund is a sort of compulsory saving, or you can say induced saving. So what is the harm if a man or a group of people does not save for a few months? Why government comes out with such a big amount to what is called induce so much money? Provident fund, two kind of thing. One is government and हम लोग यूजली जीपीएफ बोलते हैं, एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है, तो ये तो एक वैधानिक रूप से तय किया गया है कि आपका जो बेसिक सैलरी होगा उसका सर्टेन अमाउंट विल गो इनटू इट फ्रॉम बोथ द साइड, आपका और इक्वल प्रमोटर का, और उसका एक शेयर आजकल जो एक पेंशन भी है उसमें चला जाता है, तो ये एक फैक्टर है। और क्योंकि ये धारणा है और माना गया है कि जो सोशल सिक्योरिटी है उसके लिए आपका कुछ भले फोर्स सेविंग हो ये होना चाहिए, ताकि आपको जब आप रिटायर होते हैं और आपके तमाम सारे ऑब्लिगेशंस भी होते हैं साथ में आपको आगे की लाइफ है तो आपके पास कुछ वित्तीय संसाधन हो जिससे कि आप अपने जीवन को बेहतर रख सकेंगे। और उसका ये भी है कि इमरजेंसी के लिए भी आप उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है या इवन
घर है या कोई परिवार में शादी है या कोई बीमारी है, तो बेसिकली यही है कि इट्स गुड फॉर एवरीबडी कि जो लोग कहीं भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉई है कि उनका ये प्रोविडेंट फंड एक उनका बना रहे, और आप देखें कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट भी है दैट इज रीजनेबल, फिर टैक्स बेनिफिट्स भी इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि उसको काफी इम्पोर्ट अहमियत दी गई है सरकार की तरफ से। और अब करेंसी पर नजर डाल लेते हैं इस सप्ताह के प्रदर्शन पर। कल समाप्त व्यापारिक सप्ताह में रुपया डॉलर के मुकाबले 55 पैसे की कुल मजबूती से 75.65 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू मुद्रा में मजबूती प्रमुख रूप से शेयर बाजारों में तेजी के बल पर आई। जॉइनिंग अस नाउ फ्रॉम दिल्ली इज अरुण। वी वेलकम यू अरुण, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, डिस्पाइट सच ए surge in the gold prices and gold, this, why do we have such a lukewarm response to the gold bonds which the RBI issues then? Why there is so discrepancy? Actually, you see, there is a, you can say that social factor also plays important role here. And we believe more and more into physical gold. The general common man and the investor thinks that if he possesses the metal, it is more important for him. And at the same time, it goes for traditional and marriages and all this auspicious occasion also plays important role when one goes to buy the gold. And that's, but at the same time, why government has come out with this gold bonds, the reason is that instead of possessing physical metal, you can invest money into these and at a certain price and can have income also on that, and in order to protect this metal to keep secure somewhere. So government is providing just an option, but at the same time around these days we have to look into this whether people have surplus money to invest into it or not. That is also a factor behind that. In the U.S., the Wall Street's major indices tumbled more than 2% yesterday as several U.S. states imposed business restrictions in response to a surge in coronavirus cases. The Dow Jones plunged 2.8% and the S&P 500 declined 2.5% and the Nasdaq Composite tumbled 2.6%। और अब शायद पॉसिबली आज के हमारे लास्ट कॉलर दिल्ली से रत्नाकर हैं, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड द मूवमेंट ऑफ यूएस डॉलर एंड वर्सेस इंडियन रूपी? यस अगेन इट इज डिमांड एंड सप्लाई। बेसिकली व्हेन बायर देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर डॉलर, सो डॉलर गेट्स स्ट्रेंथन अगेंस्ट द रूपी, and our current account deficit and the forex reserve is also plays important role into that. If there is a lot of pressure on rupee, sometime RBI also enters into this market to have some correction or all these things. So these are the major factors around that. Harvi ji, aapne forex reserves ki baat ki to bahut hi 500 million billion dollars pe pahunche hain, maaf kijiyega 500 million dollars pe, so ye abhi tak ka shayad hamara record raha hai forex reserve, ye bhi currency ko samarthan deta hai? Bilkul usko strengthen karta hai kyunki hamari dollar ka kya requirement hai, uske liye hamare paas kitna reserve hai, to ye bahut important factor hai. और क्योंकि अभी अगर आप देखें हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो ट्रेड डेफिसिट है वो उसमें काफी ये हुआ है, नीचे आया है, तो इसके चलते भी हमारे पास जो रिजर्व है लगातार बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे अर्ली 90s तो हमें ये प्रॉब्लम आया था उस वक्त, तो रुपी को डेप्रिशिएट भी करना पड़ा था, बट अभी ये है। हबीब जी, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो हमें चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Before we close, a reminder of the headlines. President Ramnath Kovind promulgates the Banking Regulation Amendment Ordinance 2020 to ensure safety of depositors across banks. Key domestic indices log gains for the second straight week, and the U.S. stocks plunge more than 2% amid reimposed restrictions in several states. And that's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.